नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। जी हां दोस्तों, पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाने वाले हैं। ये भी बताएंगे फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा, फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी और कितनी आसानी से आप इस फॉर्म को भर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें ये फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म आपको मिलेगा rozgarrizult.com पर, एक ट्रस्टेबल भरोसेमंद पुरानी वेबसाइट rozgarrizult.com। आपको नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पीसीएल के तीन फॉर्म चल रहे, तीनों फॉर्म यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट की, आपको बता दें ये फॉर्म आपको एक जगह और मिलेगा जिसका नाम है sarkaririzult.com। गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिए, चेक कीजिए जो वेबसाइट खुली है उसमें डॉट कॉम लगा है कि नहीं, ये वाला लोगो है कि नहीं, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी वेबसाइटें आ गई हैं जिसमें आपको गलत और अधूरी जानकारी मिल सकती है। आपको सीधा क्लिक कर देना है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के फॉर्म पे। जैसे आप क्लिक करेंगे, बता दें इसकी अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है और कुल इसमें 1180 रुपये जो है लग रहे हैं। और फॉर्म इसका 18 अक्टूबर से शुरू हुआ है, हालांकि शुरू होना था पहले से, लेकिन लेट से शुरू हुआ तो हो सकता है लास्ट डेट इसकी बढ़ भी जाए। लेकिन अभी जो लास्ट डेट विज्ञापन में दी हुई है वो 28 अक्टूबर ही दी हुई है। नीचे चलते हैं, कुल इसमें जो 240 पोस्ट है और सिंपल इसमें बीकॉम मांगा हुआ है। हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, जैसे आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और नीचे आना है। नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको टिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल से और डेस्कटॉप दोनों से ही जो है भर सकते हैं। आपको आगे बढ़ना है, जैसे आएंगे आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, अपने यहाँ पे पिता का नाम डालना है और नेक्स्ट आपको अपने यहाँ पे माता का नाम डाल देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर हो दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को आपको डाल देना है और यहाँ पे रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखने लगेगा। अब आपको इसको क्लोज करना है और आगे बढ़ना है। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दोस्तों, बहुत से लोगों को समस्या ऐसी आती है कि यहाँ पे उनको ये जो बटन है वो नहीं दिखाई देता। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या आती है तो आपके ऊपर यहाँ लॉग आउट का बटन है, लॉग आउट करके आपको दोबारा लॉग इन करना है और आपको ये बटन जो है दिखने लग जाएगा। बहरहाल हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना जेंडर अपडेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। मैं बता दूँ, आप अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है डाल सकते हैं। पहले आप जो है ईयर डाल दीजिए, ईयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर आपका खुल जाएगा। तो मैं अपनी यहाँ पे अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है डाल देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस डाल देना है। नीचे आएंगे थोड़ा, यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल देना है कि आप यूपी के रहने वाले हैं कि अदर स्टेट के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है। मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, स्टेट डाल देता हूँ। नेक्स्ट मैं अपनी जो है डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ और यहाँ पे जो है अपना पिन कोड डाल देता हूँ। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको उसको बदल के लिखना है। आगे बढ़ना है आपको। आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है। आपको इस पर क्लिक करना और आगे बढ़ना है। तो मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको क्लास 10 यानी कि हाई स्कूल की जो है डिटेल डाल देनी है। हाई स्कूल का आपको जो है क्वालिफिकेशन डाल देना है कि हाई स्कूल जो है आपका डिग्री का नाम क्या है। यहाँ पे हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, टेंथ भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है क्या लिखना है। यहाँ पे कुछ आपने हाई स्कूल जो है कब पास किया है और यहाँ पे आपका परसेंटेज जो है डाल देना है। सेम वही प्रोसेस आपको इंटर में भी अपनाना है। इंटरमीडिएट डाल देना है, इंटरमीडिएट का आपने जो है कब पास किया है वो डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना इंटर का परसेंटेज डाल देना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डाल देना है। ग्रेजुएशन जैसे कि कॉमर्स मांगा है, यहाँ पे मांगा है डेट ऑफ पासिंग यानी कि पासिंग की डेट। ये जानकारी आपको आपकी जो मार्कशीट है उस पर जो है आपको मिल जाएगी। मार्कशीट पे आप नीचे ऊपर देखेंगे कहीं ना कहीं ये डिटेल जो है प्रिंटेड है। यहाँ पे पूरा इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे अगर आप कोई इंस्टीट्यूट हो तो वो दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम भी दे सकते हैं। अगर आप कैंपस से हो तो भी आपको यूनिवर्सिटी का नाम ही देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज डाल देना है। आगे बढ़ना है, सेव है नेक्स्ट करना और आगे बढ़ना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बता दें यहाँ पे आपको अपनी फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है और यहाँ पे एक टिक आ रहा है, स्टिक को लगाना है और यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को एज इट इज आपको डाल देना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट करना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। आपको यहाँ पे जो फोटो अपलोड करनी है उसको ध्यान रखना है, फोटो का साइज 100 KB से अधिक ना हो। तो मैं फोटो अपलोड करता हूँ, सिग्नेचर अपलोड करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पे अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पे फीस अमाउंट आ रहा है और यहाँ पे आपको सबमिट करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, जैसे आप आगे बढ़ेंगे बता दें इसका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप इसका पेमेंट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं जिसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी और अन्य बैंक की नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपका 17.70 रुपये शुल्क लगेगा। लेकिन अगर आप इसका पेमेंट डेबिट कार्ड से करते हैं चाहे किसी भी बैंक का हो तो उसमें कोई भी शुल्क जो है नहीं लगेगा।
क्रेडिट कार्ड से करने पर 13 रुपये लगेगा। जो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं ये ऑफलाइन पेमेंट है। अगर आपको किसी को जो इसका पेमेंट ऑफलाइन करना हो यानी कि बैंक में जाके जमा करना हो तो ये ऑप्शन का सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में उनका 60 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा आप इसका पेमेंट डेबिट कार्ड से या तो नेट बैंकिंग से कर दीजिए। पेमेंट करने के तुरंत बाद इसका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसकी मदद से आप इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।